हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को ह्यूमन हार्ट के बारे में बताएंगे। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर आर्गन होता है जो कार्डियक मसल का बना होता है। इसकी साइज मुट्ठी के बराबर होती है। आवर बिग फिस्ट, यानी जितना साइज हमारी मुट्ठी की है उतनी ही साइज इसकी भी होती है। और ये इसमें फोर चैम्बर्स होते हैं, टू अपर एंड टू लोअर चैम्बर। तो ये अपर चैम्बर जो होते हैं उनको आर्ट्रियम कहते हैं और लोअर चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। कुल चार चैम्बर होते हैं। ये मैमल्स में, जितने भी मैमल्स और बर्ड होते हैं, सब में फोर चैम्बर हार्ट होते हैं। क्यों होते हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। इसमें ये लेफ्ट साइड का हार्ट का ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। और इसमें लेफ़्ट पार्ट में आप देख रहे हैं ये आर्ट्रियम जो कहा जाएगा, इसको लेफ़्ट आर्ट्रियम कहा जाएगा। अब ये लेफ़्ट आर्ट्रियम एक वाल्व के द्वारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है। लेफ़्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ सकता है, लेकिन लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट आर्ट्रियम में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ वाल्व बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। वैसे ही इधर भी हम लोग देखें तो इधर में जो राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर वाल्व के द्वारा ही कनेक्टेड रहता है, ताकि बैक फ्लो ऑफ हार्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना होने पाए। यह लेफ्ट आर्ट्रियम पल्मोनरी वेन से जुड़ा होता है, जो कि लंग से ब्लड को लाता है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम पल्मोनरी वेन का होता है। वो पल्मोनरी वेन ब्लड को इसी लेफ्ट आर्ट्रियम में लाएगा, ठीक है। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ आप देखिए ये aorta से जुड़ा होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाता है। और इधर आप देखेंगे राइट आर्ट्रियम देखेंगे तो अपर और लोअर वेना कावा से जुड़ा होता है। और ये वेना कावा जो होते हैं वह बॉडी के डिफरेंट आर्गन से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लाती हैं, यानी राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर यहाँ से अब देखिए ब्लड इसमें जाना है। अब यहाँ ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल यहाँ देखिए पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ी हुई है। पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है। ये काम होता है, हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। देखिए ह्यूमन का हार्ट इस प्रकार से बना होता है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग फ्लो करे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग फ्लो करे, ठीक है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से मिक्स ना हो। यहाँ पर देखिए सेप्टम है, सेप्टम माने एक वाल होती है जो लेफ्ट और राइट को एक दूसरे से अलग करती है। फोर चैम्बर हार्ट या डिफरेंट चैम्बर होने का यह मेन कारण है, ताकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसमें अगर हम लोग हार्ट का फंक्शन, आप हार्ट का स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। हार्ट के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। इसमें आप ये लिखते हैं हार्ट इज आ मस्कुलर आर्गन, ठीक है। और इट्स साइज इज इक्वल टू
अबाउट आवर फिस्ट, फिस्ट माने मुट्ठी होती है, ठीक है। और हार्ट या ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट हैव फोर चैम्बर्स, चैम्बर्स ठीक है, टू आट्रियम यानी अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड आट्रियम विच रिसीव ब्लड। इसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। और लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। विच पंप द ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि आट्रियम ब्लड को पंप नहीं करता है और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, इसलिए आट्रियम की वाल थिन होती है और वेंट्रिकल की वाल थिक होती है, थिक और मस्कुलर होती है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, द वाल ऑफ आट्रियम इज थिन, या आप कह सकते हैं लेस मस्कुलर बिकॉज इट, बिकॉज दे इट पंप द ब्लड टू वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल ठीक है, एट लो प्रेशर। अब यहाँ पर देखिए, इसको पंप करना होता है यहाँ तक, इतना ही डिस्टेंस तो ब्लड पंप करना है, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर तो लगाना नहीं पड़ता है, इसलिए इसकी वाल थिन होती है या लेस मस्कुलर होती है। द वाल ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल इज मोर मस्कुलर बिकॉज इट पंप द ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी एट हाई प्रेशर। ठीक है, अब इसमें हम इतना, ये फिगर से हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें लिख नहीं रहे हैं, लेफ्ट आट्रियम के साथ पल्मोनरी वेन जुड़ा रहता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा, और लेफ्ट आट्रियम ओपन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और
इधर राइट आर्ट्रियम जुड़ा होता है वेना कावा से, और राइट आर्ट्रियम नीचे की ओर ये राइट वेंट्रिकल से जुड़ा होगा। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करेगा अओर्टा में। अओर्टा पूरे बॉडी में जाता है, ब्लड को पहुंचाता है, और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में पहुंचाता है। ठीक है, इसका मतलब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा यानी लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरे बॉडी में। ठीक है, और पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट पार्ट ऑफ हार्ट आता है, राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर पंप किया जाएगा या पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है लंग्स में, और लंग्स में जा करके वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और ऑक्सीजन ले लेगा, यानी वही ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था वो अब ऑक्सीजनेटेड बन करके फिर से पल्मोनरी वेन के द्वारा इधर आता है। ये आपके यहाँ बुक में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ना होगा वर्किंग ऑफ हार्ट, उसको आप बुक से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ना है, उसको नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे।